हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आप सबकी दोस्त अन्नू झा, और आपने ट्यून किया है झा अन्नू क्रिएशंस। आप सब लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे लोग इसमें से देखते हैं और व्यूज़ भी मेरे मतलब आते हैं थोड़े बहुत, बट सब्सक्राइब लोग करना शायद आप लोग भूल जाते हैं। जल्दी जल्दी में देख तो लेते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में फिर बंद करके आप लोग चले जाते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर रखा है, उन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और आप सब लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों को बनाऊंगी, घर में क्या होता है जब हम स्टिचिंग करते हैं तो घर में बहुत सारे कपड़े बच जाते हैं छोटे छोटे टुकड़े के रूप में, और इसमें कपड़े बच जाते हैं। वो कपड़े नए होते हैं या मतलब ऐसे ही ठीक कलर के होते हैं, तो फिर लगने लगता है कि इन कपड़ों का हम क्या करें, इसका बेस्ट यूज क्या हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों को उन बेकार पड़े कपड़ों के बहुत अच्छे यूज़ बताऊंगी, ठीक है। और उसके अंदर जो है हमारी नाइटियाँ फट जाती हैं, कुर्ते फट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, पहनने का मन नहीं करता है, तो उसे भी हम जो है वो हटाना भी मुश्किल, कहाँ फेंको क्या करो। तो उसको भी मैं यूज़ करना आपको आज बताती हूँ कि मैं उसको कैसे यूज करती हूँ। मैं बहुत सारे लोग करते होंगे इस चीज़ को यूज, लेकिन मैं उसका एक आपको बताती हूँ कि उसको मैं कैसे यूज करती हूँ। तो मैं उन सब कपड़ों को इकट्ठा करके, जो जितने बड़े हैं, जिस साइज़ के कपड़े बचे हैं जैसे हैं, उनको मैं क्या करती हूँ ना कि एक ऑर्गेनाइज़र का रूप दे देती हूँ घर में ही बैठे। और ऑर्गेनाइज़र तो आज बहुत ही काम में आता है, तरह तरह की चीज़ें रखने में, कपड़े संभाल के रखने के काम में आता है। तो उसको चूड़ी भी रखने के लिए मैं बना लेती हूँ, ब्लाउज़ रखने के लिए अलग बना लेती हूँ, दुपट्टे रखने के लिए बना लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, एक तो मेरा सारा कपड़ा कबर्ड ये सब ऑर्गेनाइज रहता है, मैं मिलता तो मार्केट में भी मिल जाता है, बट हमारे पास जो कपड़े हैं और बचे हुए हैं उनका भी हम उसको यूज कर सकते हैं। जो खुद का बनाया हुआ चीज़ से एक अलग सा सेटिस्फेक्शन मिलता है हमें कि हम उसे यूज़ कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो वो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और बड़ा बड़े आराम से बनता है। और देखकर मुझे एक अंदर से इतनी खुशी हम लोगों को होती है, यदि खुद का बनाया हुआ कोई चीज़ हो तो उसको देख के आप खुद का मन बहुत खुश होता है। तो वो एक खुशी एक अलग चीज़ है, वो चेहरे से पता चलता है। उसको देखो, जब भी देखो उसमें से निकालो तो लगता है अरे ये देखो कितना अच्छा मैंने ये बनाया है, ये कितना सुंदर सा बना हुआ है मेरा। तो वो है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जितने बड़े जैसे कपड़े बचे उस हिसाब से मैंने कैसे, जैसे देखिए ये बहुत छोटा सा पीस बचा हुआ था कुर्ते का, तो मैंने क्या किया, इससे मैंने ये इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बनाया छोटा सा। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ, इसके अंदर क्या करती हूँ, इसमें मैं ब्लाउज़ भर के रखती हूँ। इसके अंदर क्या करती हूँ, ये नाइटी के फटक टुकड़े जो होते हैं, नाइटी जो पहनती हूँ और ऊपर से वो फट जाता है, नीचे का पोर्शन जो होता है वो वैसे ही होता है, वो नीचे का डालने के लिए मैं ये डाल देती हूँ। और ये फोम आता है मार्केट में, वो थोड़े बहुत फोम लेती हूँ, या शर्ट वगैरह से निकलते हैं तो कपड़े वगैरह में आते हैं तो वो निकलता है, तो उससे निकाल के मैं ये ऐसे छोटा सा, देखिए ये छोटा सा बना लिया। इसमें छोटे 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 ब्लाउज़ रख लो, बच्चों के कपड़े रख लो, अंडर गारमेंट्स रख लो, कुछ भी चीज़ ऐसे छोटे चीज़ रखने के लिए ये छोटा सा, ऐसे इतने ही कपड़े, इतना कपड़ा बचा हुआ था तो इससे मैंने ऐसे ये बना लिया। और चेन बाहर से मिल ही जाता है, तो वो चेन मिलता है मार्केट में, और ये कुंडी मिलती है बाहर में, तो वो लेके चेन कुंडी लगा लो और आराम से ये जो है वो हमारा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाता है। तो ये मैंने एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाया है। ऐसे ही देखिए, ये एक ब्लाउज का पीस मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने उससे ब्लाउज नहीं बनाया, तो ये देखिए इसको मैंने इतना बड़ा, ये देखिए ठीक है, इस ब्लाउज को के पीस से मैंने ये बना लिया, ठीक है। तो इसमें भी मैंने वही काम किया है, इसमें भी मैंने अंदर जो है वो अंदर के पोर्शन में मैंने नाइटी ही डाला है। ये देखिए नाइटी का बचा हुआ टुकड़ा पड़ा हुआ था नाइटी का, तो वो मैंने इसमें अंदर नाइटी डाला और फोम डाला, तो उसको फोम और नाइटी और कपड़ा तीनों को मिला के वो क्या करते हैं, नाप से काट कटिंग करके दो पोर्शन में बस इसमें काटना पड़ता है। एक तो यहाँ से, या मैं छोटे में बताती हूँ आपको इसको कटिंग कैसे कटिंग करते हैं, इसको बस दो पोर्शन में काटना पड़ता है। एक तो ये पोर्शन काटना पड़ता है, एक ये देखिए, एक यहाँ से लेके
पूरा ही यहाँ तक, यहाँ यहाँ तक का पोर्शन काटना पड़ता है, ठीक है। और एक जो है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, नीचे तक का, ठीक है। तो थर्ड पार्ट ये कट गया और तीन पार्ट का ये काट लेते हैं, यहाँ से लेके इसको ऐसे यहाँ तक कटिंग कर लेते हैं। और बस दो पोर्शन को, दो को क्विल्टेड किया, और क्विल्ट करने के बाद उसको जो है उसको उसमें सिलाई मार दिया। मैं एक दिन आपको उसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी मैं कि कैसे मैं इसका कटिंग और स्टिचिंग करती हूँ। तो एक ये बनाया मैंने बड़ा सा, ये देखिए ये बड़ा सा बनाया, ठीक है। इसमें भी अंदर मैंने नाइटी का ही कपड़ा यूज़ किया, नाइटी जो था वो पुराना नाइटी हो गया था उसका यूज़ किया। ये देखिए एक मैंने ये बनाया, ये देखिए इसको भी ऐसे ही, ठीक है। और इसमें भी मैंने, इसमें मैं पेटीकोट वगैरह भर के रखती हूँ, इसमें भी मैंने, इसमें पूरा ही नाइटी का ही कपड़ा, ये ऊपर भी नाइटी का कपड़ा, ये थोड़ा कपड़ा मजबूत था तो ऊपर भी नाइटी का कपड़ा और नीचे भी इसमें नाइटी का ही कपड़ा डाल दिया, और इससे मेरा ये पूरा हो गया। ये बेकार पड़े कपड़ों से मैं, ये जो कपड़े बेकार हो जाते हैं उससे मैं ये करती हूँ। एक और देखिए, ये देखिए ये थोड़ा सा छोटा सा कपड़ा, सूट का कपड़ा बचा हुआ था तो इससे मैंने ऐसे ये बनाया, ये देखिए। इसमें भी मैं ब्लाउज़ वगैरह रखती हूँ तो बड़े अच्छे से इसमें ब्लाउज़ आ जाते हैं। इसमें भी मैंने अंदर कुछ ऐसा ही सा दिया होगा, वेस्ट मटेरियल ही दिया होगा, ये देखिए नाइटी के ही कपड़े दिए हुए हैं। तो वो नाइटी जो पुराना हो जाता है वो मैं एक भी नाइटी को फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं ऑर्गेनाइज़र बनाने के काम में ले आती हूँ, तो उसका यूज़ मैं इस तरह से करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मेरे ये ऑर्गेनाइज़र बन गया है, ठीक है। एक और देखिए, मैं मेरे पास एक थोड़ा बड़ा सा कपड़ा पीस बचा हुआ था ये, तो इससे बने ऐसे, ये देखिए ये देखिए ऐसे बना के। तो इसमें क्या होता है, गर्मी जब ख़त्म होने वाली होती है तो गर्मियों के सारे कपड़े इसमें डाल देती हूँ, और फिर गर्मियों के कपड़े आराम से पड़े रहते हैं इसमें पूरी सर्दी, और फिर जब गर्मी का आग आती है तो गर्मी के कपड़े निकाले और इसमें वापस से सर्दियों के कपड़े भर देती हूँ। तो वो क्या होता है, जिस जगह पे ये रखा हुआ है उसी जगह पे रहता है, तो बार बार मुझे फिर से ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत ही मल्टीपर्पज़, बहुत ही यूज का चीज़ है, बहुत ही अच्छा है, और बचे हुए कपड़े से हो जाता है। तो बचा हुआ कपड़ा बस इसमें फोम तो शर्ट वगैरह से निकल आता है, या नहीं भी निकलता है तो थोड़ा बहुत फोम ले लिया इसमें, और चेन और कुंडी एक बार आप 2-4 मीटर खरीद के रख लीजिए, उसे ही उसी से काम चलता रहता है, ठीक है। और लगाना भी कोई इतना नहीं। और ये देखिए, ये मैंने एक चूड़ी के लिए बनाया है, बैंगल्स के लिए, ये देखिए। इसमें बस जैसे कि ये इसकी कवर बनाते हैं, गोल वाले तकिए की कवर बनाते हैं ना ऐसे, ये गोल सा ये लेके, ठीक है, ये गोल दोनों साइड जो है वो गोल ऐसा चूड़ी के बराबर का गोल काट के दोनों साइड से ऐसे, और ये पूरा जो है वो एक कपड़ा बना लिया और इसको ऐसे कर लिया। इसके अंदर चूड़ी रखने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, एक ऐसे देखिए इसके अंदर भी मैंने देखिए नाइटी के ही कपड़े यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। और इसको इसमें चूड़ियाँ भरने के लिए, ये देखिए चूड़ियाँ बड़ी ऑर्गेनाइज ढंग से ऐसे पड़ी रहती है, ये देखिए, ठीक है, ऐसे निकल के चूड़ियाँ देखिए। तो इसको रखने के लिए भी देखिए मैंने क्या किया है, ये जो है वो एक ऐसे सब बना लिया, और इसमें आप चाहे तो कॉटन भर सकते हैं, फोम भर सकते हैं। मैंने इसमें भी पुराने कपड़े ही भरे हैं, जितने भी पुराने सारे कटिंग ये वो निकले ना उसको मैंने इसमें भर दिए, और इसको फिर मतलब सारी चूड़ियाँ जो है वो इसमें ऐसे ऐसे फंसा के रख देती हूँ। जब जो 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 ज़्यादा रोज डेली यूज़ की होती है, ज़्यादा पहननी होती है, उसको निकाला इसमें से, और रोज मैं इसमें से पहनती रहती हूँ। तो ये मैंने एक ये बनाया, तो आप बताइएगा ये कैसा बना है मेरा ऑर्गेनाइज़र। और इस तरह से आप लोग भी पुराने कपड़ों को यूज़ करके, छोटे छोटे कपड़ों को, पुराने कपड़ों को, बचे हुए कपड़ों को, जिसको कि लोग रद्दी समझ के, स्कार्फ समझ के फेंक देते हैं कि हाँ चलो बेकार है, इसका क्या किया जाएगा, ठीक है। तो उसका मैं बचे हुए ब्लाउज़ पीस, कई ब्लाउज़ पीस होते हैं जो कि यूज़ नहीं करती हूँ, करते हैं हम लोग नहीं बन पाते हैं, उसको रेडीमेड ब्लाउज़ के साथ ही पहन लिया, या साड़ी का कुछ और कर लिया और ब्लाउज़ पीस क्यों ही पड़ा रह गया, तो उससे हम ये जो है ये यूज कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही जो है वो रीयूज आइडिया ही है, और बेकार चीज़ का रीयूज है ये जो है वो हमारे लिए वेस्ट हुए चीज़ का रीयूज है। तो इस रीयूज से बहुत अच्छा चीज़ घर में बन गया, और इतना अच्छा चीज़ बन गया कि ये घर को ऑर्गेनाइज कर देता है, ठीक है। तो ये सबसे
बहुत अच्छा है, तो मैं इस तरह से इसके ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ। एक दिन मैं अगली वीडियो, किसी और वीडियो में मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी। और बहुत जल्दी 2-3 घंटे में, दो तीन वो क्विल्ट करने में जितना टाइम लगता है बस उतना ही टाइम लगता है, उसके अलावा और किसी भी चीज़ में इसमें टाइम नहीं लगता है। तो कटिंग यदि एक बार आप बंदा कर लिया, एक बार कर लेते हैं तो याद ध्यान हो जाता है कि अच्छा इतना बड़ा पर कटिंग करना है, ऐसे करना है। तो सीधा सीधा तो सिंपल कटिंग है, सीधी कटिंग है, सीधी सिलाई है। जिनको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है उनको वो आराम से कर सकते हैं। और चेन भी लगाना बारी नहीं है, चेन भी आराम से लग जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए आपको चेन लगाने में दिक्कत हो रही है, तो बाहर किसी भी छोटे मोटे टेलर को देंगे या किसी को भी देंगे तो 2 मिनट में वो चेन लगा के दे देगा। तो इस तरह से आप इसे बचे हुए कपड़े से बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करिए और आप सब लोग मेरे चैनल को देखिए और ये सब्सक्राइब करिए, और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों का हृदय तल से बहुत 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 आभार, बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं कर रखा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, भूलें ना, एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन ही तो है, एक बार दबा दें, ठीक है। और जो नया वीडियो आए तो उसे आप देखें, ऑल पर बेल को, बेल बटन को भी क्लिक कर दें और ऑल पर कर दें, जो नया वीडियो आता है वो आपको देखने को मिलेगा कि नई तरह की और क्या चीज़ें मैं दे रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। धन्यवाद।